और वो बदकिस्मत माँ बच्चों के दम में वो भी चल रही। आदाब नाज़रीन, ऑल्टरनेट कश्मीर के वॉक्स पॉप में आपका खैर मुकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद सलाम। आज के वॉक्स पॉप में हम एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करेंगे और बात करेंगे रिवाइवल ऑफ सिनेमाज की, जो अनफॉरगॉटन कल्चर है हमारी कश्मीर वैली का। पहले अगर देखा जाए तो 30 साल पहले, दहाइयों पहले वैली में एक सिनेमा कल्चर हुआ करता था, एक थिएटर कल्चर हुआ करता था। फिर कुछ नामसाइब हालात की वजह से वो जो कल्चर है, वो थिएटर है, वो सारा कुछ चला गया। अगर आम यूथ की बात करें तो उनको यहाँ से बैग पैक करके जम्मू या दिल्ली मूवी देखने के लिए जाना पड़ता है। आज की जो जनरेशन है, ये जो यूथ है, ये जो स्टूडेंट्स है, इनके क्या तासरात है, इनके क्या ख्यालात है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अब्रू निसार। अब्रू, आपने सुना होगा थिएटर के और सिनेमा के बारे में अपने पेरेंट्स के से। क्या लगता है आपको, वैली में सिनेमाज फिर से ओपन होने चाहिए? यस सर, होने चाहिए। क्यों, वजह क्या है? अगर होम स्क्रीन, मोबाइल फोन्स पे सब मूवी देखते हैं सर, इससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ सकता है। जब हम रियल लाइफ में देखें तो उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस बढ़ता है। और एक दोस्त से बात करते हैं। आपका नाम? आज़िम एजाज। आज़िम, सिनेमाज के बारे में क्या आपकी थिंकिंग है, क्या सुना है अपने पेरेंट्स से? सर, सिनेमा सर बहुत पहले बंद हो गए थे सर, लेकिन मैं मानता हूँ सर फिर से सिनेमाज ओपन होने चाहिए सर, क्योंकि सर सिनेमा और एक छोटी स्क्रीन में बहुत फ़र्क होता है। ओके, तो आपको लगता है कि मेंटल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा जो आप यूथ पे है? यस सर। ओके, मेंटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो कम हो जाएगा यूथ पे, ये कहना है हमारे इन दोस्तों का। आपका नाम? तस्कीन। तस्कीन, आपने थिएटर के बारे में क्या सुना है अपने पेरेंट्स से, और क्या लगता है कि रिवाइवल ऑफ जो सिनेमा है वो फिर से यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं? हमने अपने पेरेंट्स से हमेशा यही सुना कि एक ज़माने में यहाँ पर हुआ करते थे थिएटर, उस पर हम जाया करते थे, मूवी देखा करते थे, तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी लगती है जस्ट लाइक नो अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो हम चाहते हैं कि ये थिएटर्स फिर से ओपन हो जाए, जस्ट बिकॉज आजकल मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, सब कुछ इतना फास्ट लाइफ है। सो इस फास्ट लाइफ के बीच में अगर थोड़ा सा फन वन कर ले, लाइक थिएटर मूवीज हो, इससे माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी गवर्नमेंट के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए, रिवाइवल ऑफ सिनेमाज के लिए? हम ये कहना चाहते हैं कि सिनेमा जो है वो फिर से ओपन करो, क्योंकि हम यूथ, हम यंग जनरेशन, we are bored of these phones and all that, so we want something new like theaters, going to cinemas and all that. Okay, तो home screen से काम नहीं चलेगा। एक और बच्ची हमारे साथ स्टूडेंट है DPS स्कूल की, इनसे बात करेंगे कि थिएटर और सिनेमा के बारे में इन्होंने क्या सुना है। जब सिनेमा का नाम आता है, पर्टिकुलरली मूवी देखने चलते हैं या मूवीज में देखते हैं या बाहर हम देखते हैं, बाहर की जो लाइफ है, क्या ख्याल आता है इमिजिएटली? पहले तो फेवरेट एक्टर्स एंड एक्टर्स के बारे में दिखते हैं तो वो अट्रैक्ट करती है ऑब्वियसली, और एक्चुअली बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर सिनेमास तो है नहीं, बंद हो गए थे बहुत पहले। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ हम लोग जाया करते थे, हमें उतना यकीन नहीं होता है उन पर, यहाँ पर हो भी सकता है ऐसा कुछ, बट अगर हमें मौका मिला तो ऑब्वियस हम लोग ये ट्राई करेंगे कि हम लोग ऐसी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। ओके, तो अगर मौका मिलेगा यहाँ की जनरेशन को सिनेमाज वगैरह जाने का, तो आप सिनेमा जाएंगे और सिनेमा को एंजॉय करेंगे। एक और, आपका नाम बेटा? शुभ्रा। शुभ्रा, आपकी एज? आई एम ऑफ 13 ईयर्स। 13 ईयर्स एज की। आपने अपने मम्मा पापा से सुना है कभी सिनेमा के बारे में कि क्या था? Yeah, they tell me about cinemas and theaters, that in Kashmir, once upon a time there was that here was cinemas. Okay. And that a feeling was coming inside me that काश मैं भी उस वक्त में जा पाती. And I recognized, no, if there is no cinemas, yeah, there are present but not working here. So whenever I will get a chance to appeal to the government that there must be cinemas for every state, every country, there must be some cinemas which like hamare mom and dad,
वो बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं अपनी जॉब से, अपनी गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, उनको मतलब होम का काम होता है, बाहर का काम होता है, उसको मतलब थोड़ा रिलैक्स करने के लिए वी मस्ट गो टू सम प्लेसेस लाइक सिनेमास. सिनेमास में हम मूवीज़ देखते हैं जिनसे हमारा माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है. एंड आई एम सीरियसली आई वी यूथ ऑफ कश्मीर वी नीड सीरियसली वी नीड सिनेमास बिकॉज इट इज़न्ट ओनली ये हमारी सिर्फ कश्मीर की शान नहीं बढ़ाते बल्कि हमारे जो डेली लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आगे बढ़ने में. एंड आई विल सीरियसली वेरी वेरी लिटरली आई विल वी कैन से आई विल अपील टू गवर्नमेंट दैट देयर मस्ट बी सम सिनेमास एंड वी शुड वर्क ऑन इट इफ गवर्नमेंट नीड्स दैट वी मस्ट बी हैप्पी सो इट देयर इज़ अ वन चांस दैट सिनेमास मस्ट बी ओपन इन कश्मीर. इट्स अ वेरी नाइस चांस, इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मतलब हमारा दिल जीतने के लिए. अगले वॉक्स पॉप में फिर कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा शुमारा आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर होंगे. तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान.